हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बाहर एक जगह मॉल, और मॉल जाकर के मैडम को शॉपिंग करनी है। अगर मुझे कुछ ठीक लगेगा तो मैं भी शॉपिंग कर लूँगा। तो फिलहाल आज बहुत देर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी बज रहा लगभग 2। अभी नाश्ता करते क्योंकि कल रात में बहुत देर तक काम रहा मेरा। उसके बाद फिर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तो सोया, उसके बाद उठने में बहुत देर हो गई। सुबह बहुत आलस आता है तो चक्कर में ना थोड़ा लेट ही हो गया। मैंने कहा जल्दी उठते हैं, नहीं तो पूरा दिन सोते ही रह जाएंगे। वैसे तो प्लान नहीं था आज बाहर जाना, लेकिन मैडम ने बोला कि नहीं चलो आज जाते हैं, कुछ शॉपिंग भी करनी है और कुछ चीज़ें एक दो और देखनी है तो वो निपटा लेते, नहीं तो वो फिर रह जाता बार बार का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या इसमें क्या ये दिक्कत है, चल लेते हैं। तो फिलहाल नाश्ता करते हैं, नहाना धोना हो गया, अभी तैयार हो गए हैं एकदम चौकस, नहाना धोना तो हो ही गया। अब करेंगे नाश्ता, नाश्ता जिस समय लंच होना चाहिए उस समय हम कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद वहाँ पे लंच वहाँ पे देख लेंगे मॉल वगैरह में। तो अभी कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अभी फटाफट से नाश्ता करते हैं और नीचे थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी साफ कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं दिन की शुरुआत। तो नाश्ता कर लिया, फटाफट से निकलते हैं। लगभग लगभग 2:30 हो रहा है और आगे बहुत जाम मिलने वाला है क्योंकि बारिश हो चुकी है काफ़ी। और उसके उधर जिस तरह हम जा रहे हैं उस जगह बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड वगैरह का, फ्लाईओवर वगैरह का, तो भसड़ होने वाली है, जाम मिलेगा ही मिलेगा, मुझे पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी ठीक है पहुंच जाएंगे। तो कहीं हड़बड़ी नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। तो चलो निकलते हैं फटाफट से, मिलते हैं आपसे आगे। यही वाला है ना? हाँ, आगे गाड़ी देनी है, ये वाले पार्किंग में शायद। कुछ नहीं है हमारे पास, देखो कुछ नहीं मिला हमारे पास, चेकिंग की इसने गाड़ी में। कुछ मिला ना तुम्हारे पास? ना। कुछ भी नहीं मिला, देख लो भाई। फिर भी पता नहीं क्यों चेकिंग करते हैं हर बार, कुछ नहीं मिलता फिर भी पता नहीं क्यों चेकिंग करते हैं लोग हमारी गाड़ी की। देख रहे हैं ना, ये बारूदी सामान साथ में है। कौन बारूदी? लोग समझ जाएंगे असली बारूद लेकर तो, असली बारूद तो आगे बैठा है, डिक्की क्या चेक कर रहे हो अरे भाई आप गलत जगह चेक कर रहे हो, तनिक ध्यान आगे दीजिए असली बारूद तो आगे है देखा, बुड़बुक है बुड़बक पार्किंग में एक बंदा खड़ा था, राज को बोला कि सर आप 2500 रुपए की शॉपिंग करोगे तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। राज ने बोला 2500 रुपए की शॉपिंग हम पूरे साल नहीं करते, 500 रुपए जेब में। भाई आज हम लोग मॉल, और जैसा कि आप लोगों ने सुना है ना कि ये शॉपिंग मैं ही करूंगा, ये नहीं करेंगे, तो लेट्स सी हु शॉप्स और हु नॉट। इसलिए देखो सबसे पहले आते ही नहीं, ये कह रही थी ना कि मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, मैं तो इवन अभी अंदर आया ही नहीं था, मुझे सोचती कि पहले एचएनएम में चल रहा। तो देख रहे हो ना, कभी भी कोई लेडी कहे कि वो शॉपिंग नहीं करेगी तो कभी ट्रस्ट मत करना, जो पहले देखना ही है, पसंद आ जाएगा तो लोग ही ना। लिटरली तुमने कहा था ना कि तुम शॉपिंग नहीं करने वाली हो, शॉपिंग देख लो देख सामने सामने झूठ है, मार्केट में क्या आया हुआ है सीरियसली ये देखो सारी चीजें देख लेनी है, सब उठा उठा के देख लेना है, मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, तुरंत सामने आ गया। आज तुम शॉपिंग नहीं करोगी ना मैं तुम्हें दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो इस लड़की ने कहा था ऑन कैमरा, कहा था कि शॉपिंग नहीं करेगी, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ। और देखो आते ही बस लग गई, चेहरा देखो इस मासूम चेहरे के, भोलेपन के पीछे झूठी झूठ है, झूठी झूठ है। राज तो मेरा नाम है लेकिन राज ये रखती है। ये तो एक घंटा हो गया बंदी लगी पड़ी है शॉपिंग में, लगी पड़ी मैडम, एक घंटा हो गया आपको। मैं कुछ नहीं ले रही, मैं सब देख रही हूँ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आज इसका पर्दाफाश तो हो ही गया है चलो कुछ खा लेंगे जल्दी, ठीक है हो गया, बहुत हो गया, बहुत शॉपिंग कर ली, चलो कुछ नहीं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, मेरी अपनी शॉपिंग होती है, मैं जाता हूँ आराम से, उठाता हूँ 2-3 टी शर्ट और चला आता हूँ। एक घंटा हो गया है भाई, पकड़ा दिया है, लो देखते रहो मैडम अपना लगा लगी पड़ी है, यहाँ भूख लग रही है, सोचा कुछ खा लेंगे, मेरी शॉपिंग दूर की बात है, ये आकर के पहले ही लग गई, ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों, ये सरासर धोखेबाजी है, देख रहा हूँ इस तरह से धोखेबाजी है। बोला गया था कि शॉपिंग नहीं करूंगी, मैं तो कुछ सोच ही नहीं आया था, ये लग गई, एक घंटा हो गया, भूख लग रही है, भूख लग रही है, ओह टेक अवे तो ऐसे देती है कि जैसे कि नहीं करेगी, अभी रोने लग जाएंगी। देखो इसलिए मैं भरोसा नहीं करता हूँ,
भाई कब कहा ये खड़ा करा दे भाई साहब, पूरा मॉल घूमती रहेगी लेकिन सील वाला अभी भी देखो लगी पड़ी, अभी भी देखो लगी पड़ी, भूखा मर जाना मुझे लगता है। मैं सच बताऊं सुनिए, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ सेल नहीं लगी ना ये सेल वाले ब्लडी पूरा सब कुछ घुमाएंगे, जब सेल लगेगी तब चेक करेंगे, ये उस टाइम सेल लगेगी। बहुत तेज बुद्धि भाई इसकी, बहुत तेज है, जल्दी कर ले जल्दी कर ले, ये पकड़ ये देख ले बाकी फिर चल। ये क्या देख रही, क्या देख रही है ये, कौन सी बम है? बागड़ बिल्ली है, लेना कुछ नहीं है। और ये क्या है, अमिताभ बच्चन भी इससे छोटा लगेगा इसमें। तो शॉपिंग हो गई, ये देखो ये जबरदस्त तुमने दिलाई है, वैसे ही मत बोलो। एक घंटे की शॉपिंग में जरा सा ये छोटा सा आ गया। तुमने नहीं दिलाई, सच्ची बता दो। मैंने नहीं दिलाया। अब चल लो, भूख लग रही बहुत तेज, ठीक है सीधा भूख लग रही है। मैं अपना खाना खाऊंगा और तुम, मैं खाना खाऊंगा तुम अपना शॉपिंग करो जा करके, ठीक है? मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा दोबारा, एक घंटा बोल करके दो घंटा लगा दिए। फूड कोर्ट पता कर लिया पता कितना ऊपर है? अब तुम दिला के रहे हो, ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ दिख रहा है? दिला के रहे हो। कुछ नहीं दिला रहा भैया, वो कुछ नहीं दिला रहा। इतना मैं थक गया, खाना नहीं खाऊंगा। इतना जरा सा एक डेढ़ घंटे लगा दिए, इतने में जरा सा दो घंटे लगा दिए। नहीं आना तेरे साथ शॉपिंग करने, मैं खा रहा हूँ बर्गर। मैंने तो लिया बर्गर भैया, वेज बर्गर का किंग। तुमने डोसा, ये लोग डोसा खाते बताओ। आइसक्रीम मैं तो पीता ही नहीं हूँ, ये तो फायदा है यार। चलो सिंगल ही करता हूँ, पे करता हूँ, बस हो गया मेरा, हो गया मैडम का कोल्ड कॉफी। पिएगी नहीं पूरा वो, कहाँ इधर मैं आ चुका हूँ, उधर उधर देखे जा रही, उधर मैं आ चुका हूँ। ये देखो अपनी कोल्ड कॉफी उठाया, और ये पूरी खत्म करनी है, पूरी कोल्ड कॉफी खत्म करनी है। कर लेगी खत्म पक्का। डोसा कैसा है? देखते तो बनना है। कौन सा अच्छा लग रहा तुम्हें बताओ? ये ठीक लग रहे हैं, और बाकी मैं देख रही हूं। अपनी वॉल क्रीम कलर की है, विंडो से चाहिए? दोनों लेना, दोनों चाहिए। दूर के दिखा दो, फोन के सेम दिखा दो। हां सेम चाहिए भैया। जो हमारी वॉल है ना, सारे क्रीम कलर, आजकल तो मोस्टली व्हाइट कलर या क्रीम कलर ही होते हैं अंदर के इंटीरियर में, तो उसके हिसाब से कलर मैच चाहिए। जैसे ये हो लाइट में, हो तो ये डार्क देखने सोनी है कि लाइट देखने हैं? ये क्या बात हुई यार, ज्यादा डार्क नहीं ज्यादा लाइट नहीं। यहाँ तो और भी बहुत सारे, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये पीच कलर तो ज्यादा ही हो जाएगा। चलो और आगे देखते हैं, बस ये कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कैसे सही रहेगा? नहीं ये नहीं, चलो आगे देखते हैं। कलेक्शन है भाई, जो देखो सही लग जाए। ये तो बेडशीट भी अच्छी लग रही है यार, बेडशीट अच्छी लग रही है। ये क्या है? क्विल्ट्स हैं। ये देखो इनमें कौन सा सही लग रहा है? यहाँ कह रहे हैं ना विंडो नहीं है, हमें तो दोनों ही चाहिए। क्यों श्योर हो? ये कलर कह रहा है, ये कलर सही रहेगा, मैच करेगा। ये जैसे वाइट है, लेट्स सी, अगर ये वाइट है तो हाँ ठीक दिखेगा, और अपना क्रीम कलर है तो क्रीम कलर में देखेंगे भाई। पक्का बता ना कि तुझे ये रेड सही लग, मुझे तो मरून सही लग रहा है। अरे मरून थोड़ी ना है, तो रेड ही है थोड़ा सा। ये भी सही लग रहा है, ये बीच में नहीं होता जैसे बीच में अगर दोनों साइड से करके, नहीं अगर ये इसके बीच में डाला जाए तो, या फिर वाइट लो इसके साथ आपको वो भी चल जाएगा, विंडो इसका नट्टा बीच में डाल करके दो साइड। सारे एक जैसे ही लेने का विचार है ना, अलग अलग तो नहीं? नहीं अगर नहीं मिलेंगे तो कोई विंडो के अलग लेंगे, विंडो के अलग मुझे सेंस नहीं समझ में आया।
लगा ली सारी लिपस्टिक लगा ली सारी। अरे नहीं वो टेस्टर लगा के दिया है। टेस्टर लगा लगा तुम लोग आधी लिपस्टिक तो ऐसे खा जाते हैं टेस्टर के नाम पे। हम लोग यहां पे यहां तो देखो कितने सारे शेड ये लिया। एक शेड ले लिया मोम कुछ छोड़ा कौन सा मोम मोम आया है सब मोम। अच्छा मोम मुझे लगा मोम आया है ये तो नहीं लिया मेरे पास है और एक मैंने लिया रस्ट कलर जंग लगा कलर रस्ट कलर जंग लग गए ऑटो जंग लग गए। चार लिपस्टिक में से एक ली कलर नहीं इनके पास मुझे बरगंडे चाहिए था वो नहीं है कलर नहीं है इतने सारे कलरों में एक कलर। मौसम सही हो रखा है लग रहा बारिश हो रही पूरी मौसम देखो कैसा हो रहा मौसम बताओ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अंदर चिल्ड एसी भाई ठंड लग रही है। ये ठंड में कुकड़ी जा रही बोले ठंडी ठंड है ठंडी ठंड है इतनी ठंड लग रही थी कि पूछा रही कितनी ठंड लग रही ठंड में मैंने कहा सेंट्रलाइज एसी में सेंट्रलाइज होता है कोई ऐसे पर्टिकुलर एक उसका नहीं लगा होता कि एक का लगाओ पूरा सेंट्रलाइज होता है। अभी हम चल रहे हैं डेलो प्रोमोनो तुम्हें ये एम्बियंस था ना एम्बियंस प्रोमोनो थोड़ी आना था हमें तो ये एम्बियंस है ना तो हमें प्रोमोनो में तो जाना है किसमें जाना है उसमें फूड कोर्ट इसमें प्रोमोनो में फूड कोर्ट नहीं है तो फिर अच्छा पी लीजिए चाय के साथ कुछ खाना। आप भूख लग रही भाई देख लो शॉपिंग सब इन्होंने ही करी है कुछ नहीं करी भाई ला गया है पहले चाय और खाना नहीं खाऊंगा। अब पीने चाय अब ढूंढते हैं चाय और क्या चीज बड़ा पाव है मैगी नहीं है तुम्हें क्या खाना है बड़ा पाव लेना एक बड़ा पाव ले लो अगर मैगी नहीं है तो दो बड़ा पाव ले लो दो बड़ा पाव खा दो और ये चाय एक ही दोगे बात बहुत बड़ी मत बोलना अभी बड़ी बोल क्योंकि मैं भैया ये तो बहुत देखिए चाय इतने तो मैं पी भी नहीं पाऊंगा एक चाय तो और कुछ बस इधर कुछ केक रखा है क्या रखा है इधर ब्राउनी रखा है केक ब्राउनी है टेस्ट ब्राउनी है ना बनाना वॉलनट केक है ओह लिटिल बिग बनाना अच्छा ये केक में खाने की सामान लगाना तो भाई बैठते हैं अपने कोने में। ओ भाई सुकून से चाय पीते हैं जो चाय पीते हैं। अच्छा वो सुकून से जीते हैं जो चाय पीते हैं। भाई देखो बोला ना कुछ शॉपिंग नहीं करनी है लेकिन देख लो देख लो लिपस्टिक और मेरा मेकअप एक घंटा मेकअप वाले उसमें भाई मेरे तो पैर रुक गया भाई इन ऑटो चक्कर में ना हम लोगों के ना पैरों का बैंड लग गया ऐसा मत देख साल में एक बार जैसे ही पहुंचे इसको पता है कि मैं मना कर दूंगा कि मेकअप का सामान लेना है तो इसको पता है एक घंटा लगेगा भाई साल में एक बार आते हैं हम एक बार साल में पता बार। नहीं छह साल पहले कोई लिपस्टिक तीन साल पहले कोई लिपस्टिक लगाई होगी मेरा बैंड बजा हुआ यहाँ से चाय पीते हैं चाय पी के फिर आराम से निकल जाएंगे और फिर घर पहुँचेंगे रास्ते में जाम तो मिलने वाला है क्या बात कही है तो चलो चाय का इंतजार करते हैं चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से बड़ा पाव क्यों तुम तो खाओगी नहीं ओ भाई चाय का साइज तो देख लो इतना पूरा एक गिलास चाय कौन पिएगा यार इसलिए भाई अरे पूरा है तो एक गिलास ही चाय देखो इतना और देख लो इतनी बड़ी एक डिस्पोजल इतना है दो डबल डबल और ये देखो बड़ा पाव मिर्चियाँ देख लो मिर्चियाँ कितनी खुश मिर्ची देख करके भाई अभी चाय तो पी ली अभी फिर लाइफस्टाइल में घुस गई है ओ बड़ा टाइम लगाती भाई ये थक गया हूँ मैं अब देखो कितना टाइम लगाती है यहाँ पे वॉच भी बैटरी डाउन पूरी ड्रेन हो गई शाम तो हो गई लगभग फ़ोन में तो वीडियो कैमरा ऑन है तो कुछ दिख नहीं रहा मतलब टाइम नहीं दिख रहा लगभग 8:30 हो रहे होंगे 8:30 बजे अगर हम लोग यहाँ से 9 बजे निकलते हैं तो लगभग वन एंड हाफ आवर या 1 आवर तो लगेगा इस समय ट्रैफिक जाम बहुत मिलता है यार वही पी कार्स वाली बात है तो देखो यार पैर दर्द हो गए यार आ जा फिर निकलते हैं।
आपकी शॉपिंग की लिस्ट आज खत्म हो जाएगी। क्या चाह रही हो आज, क्या चाह रही हो आज? दोबारा मैं आऊंगा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। नौटंकी करवा लो, नौटंकी बस नौटंकी। तो भाई आ गए गाड़ी में, हालत खराब हो गई भाई, घोड़े खुल गए भाई आज तो। चला ऑन तो कर दो भाई, एसी एसी चला दो कुछ, अब मिलेगा जाम से। मैंने कहा भैया गाड़ी तुम चलाओ, हम बैठेंगे आराम से, मैडम ड्राइव करेंगे। मैं इनसे बहुत बार कहा कि पानी की बोतल ले लिया करो, कि कभी पानी की बोतल लेती नहीं है, फिर हल्ला करेंगी गला सूख रहा है, गला सूख रहा है, तो क्या करा जा सकता है? अब या तो कहीं रुको, पानी की बोतल लो, नहीं तो सीधा घर जा करके बाल्टी भर पानी पियेंगे। चलो अभी कितना बज रहा है, 9 बज गया, लगभग 10 बजे तक पहुँच जाएंगे अगर जाम नहीं मिला तो। ओ भाई ब्रेकर बनाया कि क्या बनाया? शॉपिंग हो गई तुम्हारी? मैं तो कुछ भी नहीं हुई। अब जाम में तुम्हें फंसना पड़ेगा। कितना लग रहा भाई? पता ही था 100 लगेगा। 100 रुपीज में कितने घंटे हम लोग रुके होंगे, मतलब लगभग 4 घंटे तो रुक गए होंगे। सुनिए 4 घंटे तुमने मेरी कमर तोड़ दी है। 350 पे आए थे, हद होती है 4 घंटे की। पापा तो कह रही हूँ 350 पर आए थे हम लोग। चलो भाई अब जाम तुम्हारे हवाले। तो गाइस अब मैं ड्राइव कर रही हूँ और अब मैं जाम में लगूंगी, क्योंकि पतिदेव जी बैठ गए आराम से टांगे फैला के। मेरे से ओ हाँ, मैं वही कहूँ कि ये क्यों इतना चिल्ला रही है? हमारी गाड़ी कभी कभी ना बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, मानती नहीं है बच्चों की तरह मानती नहीं, जब तक उसकी क्या कहते हैं वो हाँ हजूरी ना करता, हाँ ठीक है कर रहे हैं। मिल्क बोतल ना पकड़ा लो, आप गियर चेंज कर लीजिए, मेरा गला सूख रहा है। चलो घर पी के, घर चल के चलेंगे, घर पी के चलेंगे, दारू बाद पियेंगे, ठीक है? चलो फटाफट निकाल लो, अभी तो मैं यहाँ रास्ता देखना होगा, मुझे पता है। तो भाई हम लोग घर आ गए थे, लगभग बताया था ना 1 घंटा लगेगा, 10:05 हो रहे हैं, 5 मिनट हो गए हम लोग आए हुए। मुँह हाथ धोया, पानी वानी पिया, अभी सोनिया बनाएगी चाय। भाई कमर और पैर का बैंड बज गया, तो फाइनली की शॉपिंग हो गई। मैंने तो कुछ खरीदना नहीं था, मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ भैया, मैं कुछ लेने गया ही नहीं था। इन्होंने कहा था शुरू में कि मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, सारी शॉपिंग इनकी हुई है। भले वो छोटे पाउच दो ये जो लेकर के आएंगी ना, ये कैरी बहुत दो छोटे हैं, मुँह दिखाओ इधर, इन दो छोटे पाउच में बहुत कुछ है, और इसके लिए उन्होंने 4 घंटा भाई मेरी बजाई है कायदे से। पैर दर्द हो गए। खैर चलो अब देखते हैं कुछ खाने का। वहाँ पे हमने चाय और बड़ा पाव खा लिया था, बड़ा पाव अच्छा तो नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ी सी भूख लगी, मैंने कहा चलो बड़ा पाव खाते हैं। मैं सोचा था मैगी मिल जाएगी, मैगी मिली नहीं साली, कोई बात नहीं बड़ा पाव खाया और रिग्रेट भी किया। अभी देखते हैं कुछ या तो मंगा लेंगे, या कुछ हल्का फुल्का जैसा सैंडविच वगैरह या कुछ ऐसे मैगी वगैरह बना लेंगे, और खाने देखते हैं, ज़्यादा उतना कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद आराम से लेटेंगे। पहले देखते हैं कि खाए क्या जाए, पहले मैं सोचा चाय बना दो पहले, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स मिले। सर भी भारी हो गया, क्या होता ना एसी में, गाड़ी में एसी में बैठो, उसके बाद बाहर निकलो फिर भी गर्मी, यही चलता रहता भैया, सर्द गर्म सर्द गर्म सर्द गर्म, घर में एसी नीचे उतरे फिर गर्म, फिर गर्म एसी फिर गर्म, यही चल रहा है। इससे क्या होता ना मेन हेडेक सा हो जाता है, और वैसे थकान हो जाती है और चीज़ें बढ़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो चलो भाई इनकी शॉपिंग हो गई, 1-2 चीज़ें और लेनी थी, वो उसका हो नहीं पाया, तो चलो किसी और जगह जाएंगे तब देखेंगे, कल या परसों फिर जाकर देखेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, खाने पीने का सोचते हैं, पहले चाय पीते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया था, काम भी हो गया था, अब चलते हैं सोने। तो इस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, घोड़े खुल गए हैं आज तो। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए देखो कौन देख रहा, ऐसा लुक देती ना मुझे, तब थका दिया ना आज भाई, दौड़ा दौड़ा के वो पता कंप्लेन भी है। छोड़ो क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलेंगे, चलो यह कुछ नहीं हो सकता। चलो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।